16 अप्रैल 2024 का पंचांग कुछ इस तरीके से। इस दिन शुक्ल पक्ष अष्टमी है, महागौरी की इसमें पूजा की जाएगी। पिंगल संवत्सर विक्रम संवत्सर 2081, सत संवत 1946 जिसे कि क्रोधी संवत्सर। चैत्र अष्टमी तिथि 1:24 तक है, उसके उपरांत नवमी तिथि है। नक्षत्र पुष्य है, 5:16 AM तक, उसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र का गोचर होगा। घृति योग 11:16 तक है, उसके बाद सूल योग। करड़व 1:24 PM तक, बाद में बालव 2:15 AM तक, उसके बाद कौरव। अप्रैल 16 संवत्सर को राहु 3:35 से 5:09 तक है, चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा। आज ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरीके से रहेंगी। गुरु सूर्य का संचरण प्रथम राशि यानी कि मेष राशि में होगा, चंद्रमा का संचरण कर्क राशि में होगा, केतु का संचरण जो है कन्या राशि में हो रहा है, शनि मंगल का कुंभ राशि में, और वहीं मीन राशि में राहु शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। तो इसी के आधार पर जो आपका भला देश है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। आज के दिन आपके घर की सुख सुविधाओं में और आपके कर्म में बहुत ही अच्छा बीतेगा। आपके घर में शांति का माहौल रहेगा, कर्म क्षेत्र पर भी शांति बनी रहेगी। कर्म में आपको विस्तार का योग मिल सकता है। अगर कर्म में कोई विस्तार करना चाहते हैं, पदोन्नति वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। या स्विच करके जॉब को दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आज के दिन विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही अच्छा दिन बीतने वाला है। उनके पढ़ाई में कहीं कोई व्यवधान नहीं। गृहिणी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा समय है, पूरा दिन बहुत ही खुशनुमा उनका रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। गुरु सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके व्यापार वर्ग पर पड़ रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह समय बहुत अच्छा है। आज के दिन सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव को श्वेत पुष्प चढ़ाएं, आपके लिए दिन बहुत उत्तम होगा। आपके लिए चंद्रमा संचरण इस दिन हो रहा है तृतीय भाव से, यानी कि आपके कार्य पराक्रम जो है इस वक्त बहुत अच्छे रहेंगे। पराक्रम का आपको 100% रिजल्ट मिला था। यदि किसी दिशा में आप प्रयासरत थे तो आपके लिए बहुत ही सुंदर एक योग है। भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा आज माइंड डाइवर्ट रहेगा, उनको किसी भी अनचाही स्थिति से बचना चाहिए। गृहिणी वर्ग के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, उनके भी पूरे दिन में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। अगर आप आज के दिन श्री माँ लक्ष्मी माता की पूजन करके चलेंगे तो आपके लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। श्री सूक्त का आप यदि पाठ करें तो आपके लिए बेहतर समय और हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो चंद्रमा आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहा है और आपके लिए दिन बहुत ही उत्साहवर्धक रहने वाला है। आपको आज धन का लाभ हो सकता है, आपके अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, वाणी के द्वारा आपका कोई बिगड़ा कार्य बन सकता है। वाणी आपके इस समय पर टूटे हुए संबंधों को जोड़ने में सक्षम होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करें तो ये समय बहुत ही उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग का बहुत ही पढ़ाई में मन लगेगा और अगर किसी परीक्षा में बैठने की तैयारी चल रही है, बहुत ही उत्तम समय इस समय पर है। अगर बात करें गृहिणी वर्ग की तो गृहिणी वर्ग के थोड़ा सा आज मन विचलित रहने की संभावना है। मन विचलित रहेगा और कारण कोई नहीं होगा, बस अनजाने डर से। तो अगर बात करें इस समय पर उपायों की तो आज के दिन अगर आप शिव जी की आराधना करके श्वेत जी को श्वेत पुष्प और लाल चंदन अर्पण करेंगे, शिव शक्ति का पूजन करेंगे तो आपके लिए दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। चंद्रमा का संचरण आज के दिन आपके कर्क राशि से हो रहा है। स्वराशि का चंद्रमा आपके लिए लग्न में विराजमान है और आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रहा है। आज का दिन आपका बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई देगा, आपको कहीं से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आपका दिन बहुत बिछड़े हुए मित्रों से मिलने का भी है और आपके लिए बहुत अच्छा समय आपका आया है। तो आज के दिन आपके दिमाग में कोई परेशानी रहेगी, शाम होते होते कोई परेशानी बन सकती है, लेकिन अगर आप स्थितियों को अपने नियंत्रण में लेकर चलेंगे तो वो परेशानी भी आपकी दूर होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करें तो विद्यार्थी वर्ग का भी ये समय बहुत ही उत्तम है, उनका पढ़ने में बहुत मन लगेगा और अगर कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में बैठने की तैयारी करें तो बहुत अच्छा है। गृहिणी वर्ग की बात करें तो गृहिणी वर्ग का भी आज का दिन सामान्य बीतने वाला है, कोई विशेष उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है। अगर बात करें तो आज के दिन यदि सूर्यदेव को दूध मिश्रित जल
उसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर, थोड़ी सी अक्षत डालकर, अक्षत देखिए 8 दानी लीजिए, शिव शक्ति नमः का जाप करते हुए अर्पण करें, बेहद शुभ दिन है। सिंह राशि के जातकों की बात करें तो द्वादश भाव में चंद्रमा का संचरण हो रहा है और आपके आज के दिन व्यय बढ़ने की उम्मीद है। आपका इस समय पर अत्यधिक आज आप अनावश्यक व्यय भी कर सकते हैं। धन को बहुत सुरक्षित रखें, धन को आज किसी और के हाथ में ना दें। जैसे आप अगर व्यापारी वर्ग से हैं तो गल्ला वगैरह अपना किसी और को ना आज सौंपें। अगर आप गृहिणी वर्ग से हैं तो धन की विशेष देखभाल करें, अपने कीमती सामान की विशेष देखभाल करें। आपको इस समय पर धन का बहुत विशेष निहायत ध्यान रखना है। अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो पढ़ाई में उनके कहीं कोई व्यवधान नज़र नहीं आ रहा है, उनके पढ़ाई के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और बात करें अगर आपके गृहिणी वर्ग की तो उनका भी दिन सामान्य ही बीतेगा, कोई उतार चढ़ाव की स्थिति आज के दिन आपकी नहीं है। थोड़ा सा आपको आज के दिन अपने धन को, देखिए संचित धन को निकालने से बचना चाहिए। अगर आज के दिन आप सूर्य नारायण की आराधना करेंगे, सूर्य भगवान को लाल चंदन, देखिए लाल लोटे में यानी तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प, थोड़ा सा गुड़ और 12 अक्षत डालकर अर्पण करेंगे, आपके लिए दिन बेहद शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों की बात करें तो चंद्रमा का संचरण आपके एकादश भाव से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में धन जो है आपका ऐसे रास्तों से आता हुआ दिखाई देगा जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी। आपको ऐसा धन मिल सकता है जिसको आपने सोचा नहीं है। देखिए जब धन ऐसा मिलता है जो आपका सोचा हुआ होता है कि मुझे यहाँ से धन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो खुशी होती है। और जब आपने जो सोचा नहीं होता, मान लीजिए किसी को उधार दिया है, यहाँ पे कहीं पे हमने वर्क किया है, वहाँ का हमें धन नहीं मिला है, या कोई धन हमारा बहुत दिनों से हमें मिलना था और अभी तक मिल नहीं पाया, अचानक मिल जाए तो बहुत खुशी हो, उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो आप आज के दिन अगर बात करें, आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव है और मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से आपको सर्दी जुकाम वगैरह की शिकायतें देखी जा सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए, और अगर बात करें गृहिणी वर्ग की तो आपके लिए भी दिन सामान्य रहने वाला है, कोई आपकी जीवनी में उठापटक की स्थिति नहीं है। धन आगमन के स्रोत बनेंगे, आपका धन जो है इस समय पर सन्मार्ग पर लगेगा। आपकी वाणी भी आज के दिन बहुत ही पोलाइट रहेगी, आप वाणी के द्वारा अटके हुए कार्यों को बना सकते हैं। अगर बात करें आपके जीवन में उपायों की तो आज के दिन आपको श्री हनुमान जी की 40 का पाठ करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गम बीज मंत्र का जितना अत्यधिक। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है, बहुत ही ऐश्वर्यशाली दिन आज का रहने वाला है आपका। इस माह के अंतर्गत जो इस समय पर आपकी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, गोचर की स्थिति बहुत ही उत्तम है आपकी। प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ आपका कर्म क्षेत्र और घर में खुशियों की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके कर्म की प्रबलता इस वक्त आपके भाग्य पर भी दिखाई देगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ी सी आपके व्यय होंगे, अनावश्यक वाद विवाद से आप बचें। इस वक्त आप वाद विवाद को जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा समय चिंतनीय है। विद्यार्थी वर्ग को इस वक्त थोड़ा सा मन जो है डाइवर्ट होता हुआ दिखाई देगा, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। गृहिणी वर्ग के लिए बहुत ही विशेष दिन आज का रहने वाला है, आप विशेष कार्य अपने घर में कर सकते हैं। आपके घर में नए इस वक्त संसाधन आते हुए दिखाई देंगे, आप घर को नई तरीके से सजाने के बारे में भी सोच सकती हैं। तो अगर आज के दिन आप माँ लक्ष्मी की मखाने की माला चढ़ाकर दिन का शुभारंभ करेंगे तो बहुत ही बेहतर दिन आपका आज का बीतने वाला है। श्रीम बीज मंत्र का जाप माला चढ़ाते वक्त अवश्य करें। वृश्चिक राशि वालों का भी आज का दिन बहुत बेहतर होने वाला है। आज के दिन आप थोड़ी सी व्यय कर सकते हैं, वो भी अपने घर के लिए, अपने घर के लोगों को प्रसन्न करने के लिए। भाग्य आज आपका प्रबल रहेगा, आपके जो भी कार्य अनपेक्षित थे यानी कि जिनको आप काफ़ी समय से करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, तो आज भाग्य की मदद से वो कार्य आप आगे बढ़ा सकते हैं। बात करें यदि विद्यार्थी वर्ग की तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सा डाइवर्ट करने वाला है माइंड। इस समय पर आपका माइंड डाइवर्ट होगा, कुछ स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी, आप बहुत प्रयास करेंगे किंतु आपका मन उस तरीके से मन पढ़ाई में नहीं लगेगा जैसे कि लगना चाहिए। गृहिणी वर्ग की बात करें तो गृहिणी वर्ग के लिए भी थोड़ी सी आज के दिन
उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, किसी को कोई अपशब्द बोलने से बचे। आपके लिए अगर आप गणेश जी की महिला वर्ग हैं तो गणेश जी की आराधना करें, पुरुष वर्ग हैं तो हनुमान जी की आराधना कर दिन का शुभारंभ करें, आपके लिए बहुत ही उत्तम दिन रहने वाला है। बात करें धनु राशि की तो आपके आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके आज अटके हुए कार्य बनेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है या विस्तार की आप नींव डाल सकते हैं। आपके ज्ञान से इस वक्त आप अपने माइंड से कोई ऐसा आइडिया निकालकर अपने कार्य को करेंगे कि आपको सभी की प्रशंसा मिलेगी, बॉस की भी अनुशंसा मिलेगी या फिर व्यापारी वर्ग से हैं तो आज आपको अप्रत्याशित रूप से अपने लाभ में वृद्धि दिखाई देगी। गृहिणी वर्ग की बात करें तो गृहिणी वर्ग के लिए बहुत ही सुखद समय है, उनका पूरा दिन खुशमग्न होकर बीतेगा। बात करें विद्यार्थी वर्ग की तो बहुत ही शुभ समय है आपके लिए, आपका मन अभी काफ़ी समय तक कहीं भी डाइवर्ट नहीं होने वाला है, आपके माइंड में कोई चिंता की समस्या नहीं आने वाली है, आपका दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। अगर बात करें इस समय पर आपके उपायों की तो आज के दिन आप विष्णु भगवान को श्वेत चंदन अवश्य चढ़ाएं, श्वेत चंदन चढ़ाते हुए माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें, आपके लिए दिन और उत्तम हो सकता है। आज आपका दिन बहुत ही उत्तम होने वाला है, चंद्रदेव आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन आपका बहुत मधुर होने वाला है। व्यापारी वर्ग से हैं तो आपके व्यापारी वर्ग में इस वक्त कंपटीटर्स इस वक्त आपको डिफीट नहीं कर पाएंगे, आप पूरा दिन बहुत प्रसन्नचित रहेंगे, कहीं कोई आपकी ऐसी स्थितियां नहीं बनी हुई हैं जिनकी वजह से आप परेशान हों। अगर बात करें तो इस वक्त कर्म क्षेत्र में भी कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नज़र नहीं आ रही है, घर में भी शांति का सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है। बात करें विद्यार्थी वर्ग की तो विद्यार्थी वर्ग भी इस वक्त पढ़ाई में अपना मन लगाएगा। गृहिणी वर्ग की बात करें तो पूरा दिन वो प्रसन्नचित रहने वाली हैं, उनके लाइफ में आज के दिन कोई विशेष फेरबदल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो आज के दिन आप भोलेनाथ जी को शमी के पत्र चढ़ाकर शिव शक्ति नमो नमः जितना अधिक जाप कर सके आपका दिन और अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि के जातकों की अगर बात करें तो आज का दिन आपका विशेष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं बनी रहेंगी, माइंड में आपको चिंताओं को नहीं आने देना है। बात करें धन लाभ की तो धन भी आपके आने के स्रोत दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें इस समय पर आपके भाग्य की तो भाग्य का भी आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य इस समय पर आपका प्रबलता से साथ दे रहा है। थोड़ा सा इस समय पर रोग से सतर्क रहें, थोड़ा सा आपको सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है क्योंकि मौसम चेंजेज हो रहे हैं। अगर बात करें इस समय पर आपके घर की स्थिति की तो घर में आपकी स्थिति सौहार्दपूर्ण बनी हुई है, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। छोटी मोटी तो तकरार, प्रेम भरी तकरार होंगी आपके घर में, मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो दिन बहुत अच्छा होने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा है, कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई दे रही है। धन आगमन में आपके कोई बाधा नहीं है, व्यापारी वर्ग को भी विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर आपके लिए उपायों की तो भोलेनाथ जी को काले तिल अवश्य चढ़ाएं, आज के दिन शत्रु मर्दन मंत्र अवश्य जाप करें, और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप 11 बार अवश्य करें, ज़्यादा कर सकते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जो भी निगेटिव परिस्थितियाँ थोड़ी छिटपुट से दिखाई दे रही हैं वो दूर हो जाएंगी, आपकी बहुत ही शुभ कार्य समय आपके लिए रहने वाला है। मीन राशि के जातकों की अगर बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ होने वाला है, पंचम भाव से आपके चंद्रमा का गोचर हो रहा है, आपके ज्ञान में इस वक्त वृद्धि दिखाई देगी। आप अपने ज्ञान और वाणी के द्वारा अपने अटके हुए कार्यों को पूरा करेंगे या अपने कार्य को विस्तार देने का प्रयास करेंगे, आपका कार्य भी इस समय पर अच्छा ही चलेगा। कोई आपके जीवन में आज उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है, आपके व्यय जो हैं आपके घर पर इस वक्त ज़्यादा होते हुए देखे जाएंगे, अनावश्यक व्यय से बचें, आवश्यक और अनावश्यक में भेद आपको ही करना है। अगर बात करें विद्यार्थी वर्ग की तो विद्यार्थी वर्ग का आज का दिन बहुत ही उत्तम जाने वाला है, गृहिणी वर्ग का भी रोज रूटीन के जैसा ही आज का दिन रहने वाला है, कोई विशेष परिस्थितियाँ आज के दिन नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें उपायों की तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी लग्न पति को ही मजबूत करें, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो विष्णु भगवान की आराधना भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान को पीले पुष्प और पीला चंदन चढ़ाकर उनकी आराधना करें, आपके लिए दिन बेहद उत्तम रहने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।